ठीक है। और आप जानते हैं, आप लोगों ने हमेशा से जिस तरह से हम लोगों को साथ दिया है, समर्थन किया है, इसको हम नहीं जीवन भर भूल सकते हैं। जो भी हमसे संभव होगा हम आपकी सेवा करते रहेंगे। लेकिन मेरी एक इच्छा थी कि एक बार ज़रा हम और भी सब जगह घूम लें, क्योंकि आप सब लोग इतना मदद करते हैं और एक बार हमको और घूम लेना चाहिए। तो इसी को ध्यान में रख करके हम सब जगह घूमना शुरू किए हैं। तो आज भी अनेक लोगों से, अनेक गांव में लोगों से मिलते हुए आपके बीच में आए हैं। आप सब यहाँ मौजूद हैं, बहुत खुशी हुई। जितने लोगों को जो समस्याएं थी सब लोगों ने जानकारी दे दी और उन समस्याओं पर गौर किया जाएगा और जो भी उचित कार्रवाई है किया जाएगा। लेकिन आप सब लोग आए, मिले, मुझे बड़ी खुशी है। और आपका जो समूचा सहयोग रहता है, हम लोग तो कोशिश यही करेंगे कि हम लोग आपकी सेवा करते रहें ताकि सब दिन वो सहयोग कायम रहे। तो हमको इसी को लेकर के आप सबका हम अभिनंदन करते हैं। और एक ही आग्रह हम करेंगे, समाज में प्रेम का और भाईचारे का भाव होना चाहिए। बहुत लोग समाज में झगड़ा लगाने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन आप जानते हैं शुरू से हम यही परामर्श करते हैं कि आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव होना चाहिए। आप जानते हैं जितना हम लोगों ने काम किया, कितना महिलाओं में जागृति आई, कितना गरीब गुरबा तबके के लोग आगे बढ़े हैं, हर तबके के लोग आगे बढ़े हैं। तो हमारा तो एक ही आग्रह है कि समाज में अब जो नई पीढ़ी के लोग हैं उनको जरूर बताइएगा, प्रेम के साथ, भाईचारे के साथ जरूर व्यवहार करो। आपस में अगर मतभेद भी है तो वो अपनी जगह पर है, उसके लिए झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो आपस में प्रेम का, भाईचारे का भाव होना चाहिए। ये हम आप सब लोगों से विनम्र निवेदन करेंगे कि जरूर नई पीढ़ी के लोगों को समझाइएगा, बताइएगा, ताकि समाज में एकता रहे और प्रेम का और भाईचारे का भाव रहे। ये हम आप सबसे करेंगे। और जो भी आप लोगों ने अपनी समस्याएं दी है उन सभी समस्याओं पर हम गौर करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब यहाँ